नमस्कार, स्वागत है आपका जिलेट ऑफिशियल में। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आज के कुछ चार बड़े अपडेट्स के बारे में। अपडेट्स कुछ इस तरह से होंगे कि रेल टिकट आप बुक कराने के लिए पहले जो फॉर्म हम फिलअप कर रहे थे अब वो बदल गया है, आपको यहाँ ज्यादा जानकारी रेलवे को सबमिट करनी होगी। दूसरी अपडेट है कि 813 एप्लीकेशंस को गूगल ने अपनी प्ले स्टोर से हटा दिया है क्योंकि ये खतरनाक थे यूजर्स के लिए। तीसरी जो खबर है वो कुछ इस तरह से है कि कल के वीडियो में जो मैंने कहा था गाड़ियां चलने को लेकर के, बहुत से लोगों ने कहा कि 30 जून तक जब गाड़ियां चल नहीं रही है तो इन गाड़ियों के बारे में नए नियम आपने कैसे बताया, ये भी मैं यहां क्लियर करने वाला हूं। साथ ही हम बात करेंगे कि जब आप लॉकडाउन के बाद हवाई सफर पर निकलेंगे तो हवाई जहाज के अंदर आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले इसी तरह की और जानकारियों के लिए। दोस्तों, एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आपको एक वीडियो क्लिप में यहां दिखा देता हूं। इस क्लिप को देखिए जहां एक महिला अपने बच्चे को किस तरह से लेके जा रही है। दरअसल ये पंजाब से जा रहे हैं यूपी झांसी के लिए, लॉकडाउन में फंसे हुए थे। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, शायद ये एक मजबूर माँ की ममता है या गरीब मजदूर की बेबसी है या कोरोना का कहर। हालांकि इस तरह की कहानी कुछ इन दिनों लाखों लोगों के हैं जो आपको सड़क पर देखने को मिल जाएंगे। आप कमेंट करके इस वीडियो के बारे में आपकी क्या है राय वो आप मुझे प्लीज़ बताना। दोस्तों, आज का पहला अपडेट है कि जब आप ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करोगे, हालांकि इन दिनों ऑनलाइन ही चल रही है, ऑफलाइन तो बंद है, काउंटर बंद है, तो ऐसे में हम जो जनरली फॉर्म जो पहले फिलअप करते थे अब वो फॉर्म बदल गया है। यानी कि आपको एक और कॉलम मिल जाएगा जिसके कि आपको पूरी जानकारी देनी है वहाँ का जहाँ आप जा रहे हो, जिससे कि रेलवे आपको आसानी से ट्रेस कर सके। इसका यह मतलब ना समझे कि रेलवे भाई हमें क्यों ट्रेस करेगा, क्यों हम अपनी जानकारी देंगे। वो दरअसल इसलिए किया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर रेलवे आपको ट्रेस करके आपकी इलाज करवा सके। ये जो किया गया है ये कोरोना के डर की वजह से किया गया है कि कहीं कुछ आगे चल के आपके साथ कुछ परेशानी ना हो। तो इसका सपोर्ट करें, अपनी पूरी जानकारी इस कॉलम में साफ साफ लिखें। और ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ दिन के लिए है जब तक ये कोरोना है हम सबके बीच। दोस्तों, गूगल ने गूगल प्ले स्टोर से 813 एप्लीकेशंस को हटा दिया है। वो दरअसल इसलिए कि साइबर सिक्योरिटी फॉर्म नॉर्टन के मुताबिक ये जो एप्लीकेशंस है वो क्रीपवेयर एप्लीकेशन है। क्रीपवेयर का मतलब जरा आपको मैं यहां समझा दूं, ये वो एप्लीकेशन है जो आपकी फोन में या पीसी में जब इंस्टॉल होते हैं तो आपकी एक्सेस उन हैकर्स तक बड़े ही आसानी से पहुंचा देते हैं। जैसे कि आपके फोन का मैसेजेस, कैमरा से ली हुई पिक्चर्स या लाइव कैमरा, ऑडियो तक आपका सुना जा सकता है, या मोबाइल में रखे हुए पर्सनल फाइल्स हो सकते हैं, बैंक के डिटेल्स हो सकते हैं, OTPs आने वाले हो सकते हैं, हर एक जानकारी आपकी ली जा सकती है, जिससे कि आपकी बैंक अकाउंट को खतरा है। पर्सनल डेटा जब आपका किसी के पास जाता है तो यहाँ आपके साथ ब्लैकमेलिंग हो सकती है, या तो फिर उन डेटा का गलत इस्तेमाल करके ये लोग पैसे कमा सकते हैं। इसलिए इन एप्लीकेशंस को हटा दिया गया। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक लिंक दूंगा, उस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ढूंढने में, आप ढूंढिए वहाँ पे कैटेगरी वाइज बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको हटाया गया है। अगर इनमें से कोई भी ऐप आपकी फ़ोन में है तो अभी का अभी आप उनको हटा दीजिए, क्योंकि गूगल ने प्ले स्टोर से तो हटा दिया है, आपकी फ़ोन से गूगल नहीं हटा सकती है। उसका राइट, उसका परमिशन जो है वो आपके पास है, आपको हटाना पड़ेगा। और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो अपनी फ़ोन में कुछ एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर देते हैं फिर वो भूल जाते हैं। कई महीनों तक उन्हें याद ही नहीं होता है कि वो एप्लीकेशन भी मेरे फ़ोन में है। भाई, 5 इंच का स्क्रीन है, उसमें स्क्रॉल करके ढूंढ लो ना, जो इस्तेमाल करते हो उसको रखो, वरना बाकी के एप्लीकेशंस को हटा दो। चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, अगर इस्तेमाल नहीं करते तो रख के क्या फ़ायदा, फ़ोन पर भी लोड है, कल को पता नहीं उसके साथ भी कुछ हो इसी तरह का मामला। तो इसलिए जब ज़रूरत है इस्तेमाल करो, डेली इस्तेमाल करते हो तो कोई बात नहीं है, वरना कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर उनको डाउनलोड करके इस्तेमाल करो फिर हटा दो। दोस्तों, अब बात करते हैं 30 जून वाली बात। आप मेरे जवाब को तभी समझ पाओगे जब आप पुराने वीडियो को देखोगे। तो पुराने वीडियो को देखने के लिए, कल के वीडियो को, ज़्यादा पुराना नहीं है, आप यहाँ आईकार्ड पर जा सकते हैं उस वीडियो को देखने के लिए। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था जो स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं उनमें स्लीपर कोच एक्स्ट्रा से दिया गया है, साथ में वेटिंग लिस्ट भी दी गई है, वो बात मैंने आपसे कही थी। तो लोगों ने मुझसे कहा कि भाई ट्रेन तो 30 जून तक नहीं चल रही है तो फिर आप कैसे मतलब बता रहे हो ये। तो आपको बताना चाहूँगा, मैंने जो ट्रेनों की बात कही थी वो स्पेशल ट्रेनें हैं जो लोग फंसे हुए हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जो गाड़ियाँ जैसे श्रमिक स्पेशल ट्रेन या तो फिर जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है उनके बारे में मैंने आपसे कही थी। आपने सोच लिया वो जो लॉकडाउन से पहले जो गाड़ियाँ चल रही थी, जिस तरह से डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते थे ट्रेनों का, वो उन ट्रेनों की बात मैंने नहीं कही है। वो 30 जून क्या उससे भी आगे बढ़ सकती है? नहीं, डरे नहीं, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद जब आप हवाई सफर पर निकलोगे तो फ्लाइट के अंदर इनको देख के डरना मत, क्योंकि ये डॉक्टर्स नहीं है। आजकल भाई जो चल रहा है तो लोग डॉक्टर को देख के भाग रहे हैं, कोई पत्थर मार रहा, तो ऐसा कुछ हरकत मत करना, क्योंकि ये जो है
क्रू मेंबर्स है, फ्लाइट के स्टाफ्स है, ये जो है पीपीई, आपको पता है पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये जो किट है ये पहने रहेंगे। इससे क्या होगा, कोरोना से ये बच सकते हैं, क्योंकि फ्लाइट में सबसे ज़्यादा खतरा है। और ये जो सिलसिला है जब तक कोरोना है तब तक चलेगा, मतलब अभी कुछ महीनों तक चलने वाला है। कोरोना के बाद ही शायद आप फ्लाइट के खूबसूरत मेंबर्स को देख पाएंगे। दोस्तों आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।